मध्य प्रदेश के बैतूल में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सभी न्यायालयों में 25 पुराने प्रकरणों को समयावधि में निराकृत करने के आदेश का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। बैतूल में आज जिला अभिभाषक संघ ने इसको लेकर एक बड़ी सभा की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत का बहिष्कार कर दिया जाएगा। जिला अभिभाषक संघ ने आज इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों अभिभाषक शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने कहा कि सभी न्यायालयों में 25 साल पुराने प्रकरणों को नियत समयावधि से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अधिवक्ताओं को सभी न्यायालयों में पुराने प्रकरणों की पैरवी के लिए उपस्थित होना है, जिसके लिए उन्हें अपना कार्य करने में परेशानी हो रही है, जिससे वो कोसों की ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिए गए हैं जो पूरे साल भर के अंदर 100 प्रकरण को चिन्हित किया गया है और हर क्वार्टर में 25-25 प्रकरणों को निराकरण का आदेश लोअर कोर्टों को दिए गए हैं। उसमें सही तरीके से प्रक्रिया का पालन नहीं हो पा रहा है और पक्षकारों को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बेचारे जो गरीब पक्षकार रहते हैं उनका होता है और हर चीज़ को लेकर वो हाईकोर्ट नहीं भाग सकते हैं और ये प्रक्रिया जो है ठीक नहीं है। इसका बैतूल ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर विरोध हो रहा है और यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 25 प्रकरण की सूची दी है उसके संबंध में कोई पुनः विचार नहीं किया जाता है और वो आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो हमारा संघ 11 तारीख की जो वृहद लोक अदालत होना है उसमें भाग नहीं लेगा और यदि उसमें कोई विचार होता है तो फिर आगामी उसमें विचार करेंगे।